हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक हैं और मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ आटा नूडल की रेसिपी, जैसे मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है ऑयल और मैं इसके अंदर डाल दूँगी प्याज। तो मैं यहाँ पर कुछ भी जीरा वगैरह यूज़ नहीं कर रही हूँ उसमें, और प्याज को मैं अच्छे से मतलब थोड़ा क्रंची होने तक ही मतलब चला लूँगी। और उसके बाद मैं इसमें जो भी सब्ज़ियाँ हैं जो मेरे पास अवेलेबल थी वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो मेरे पास था यहाँ पर गाजर और मटर, वही मैं इसमें डाल रही हूँ। और अब इनको भी अच्छे से चला लूँगी और कुछ देर के लिए इनको पकाऊँगी। जब ये थोड़ा सा मतलब फ्राई होने लगेंगी, भुन जाएंगी, तब इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी मसाला, जो मतलब मसाला जो हमें मिलता है पैकेट के अंदर ही, मतलब नूडल के अंदर वही वाला मसाला है ये। और इसके अंदर भी मतलब वेजिस होती हैं, मटर वगैरह कुछ भी इसमें भी पड़ा होता है मसाले के अंदर, वो मैंने इसमें मिक्स कर दिया है। और एक्स्ट्रा मैं इसमें कोई भी मसाला जो है ना यूज़ नहीं कर रही हूँ यहाँ पर। तो बाद में मैं इसमें थोड़ा सा नमक जो है ऐड करूँगी, बस और कुछ भी नहीं। और अब मैंने डाल दिया टमाटर और हरी मिर्ची, और टमाटर के पकने तक जो है मैं इसे अच्छे से चला लूँगी। और फिर इसके अंदर जो है मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि जो है टमाटर अच्छे से गल जाए। और पहले से अच्छे से मैं चला लूँगी ताकि जो भी मसाले वगैरह हैं इसमें मिक्स हो जाए अच्छे से। और अब कुछ देर के लिए मैं इसे ढक दूँगी, और ढकने के बाद जो है मैं इसको दोबारा से चला रही हूँ, वापस से चेक कर रही हूँ इसको। और अब जो है स्टेज पे टमाटर हमारे लगभग हो चुके हैं, और थोड़ा बहुत जो रह गए हैं उन्हें मैं वैसे ही चम्मच की हेल्प से जो है उनको मैश कर दूंगी। और उसके बाद जो है इसमें मैं नमक ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर थोड़ा ही मैंने नमक मतलब डाला है, क्योंकि जो हम मसाले यूज़ करते हैं जो पैकेट में आता है वो तो ठीक रहता है, बैलेंस हो जाता है, लेकिन हम कुछ एक्स्ट्रा डालते हैं, वेजीज डालते हैं, या जैसे टमाटर डाला हमने, प्याज वगैरह डाली है, तो उससे थोड़ा नमक जो है थोड़ा कम हो जाता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ नमक ऐड किया है। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ मैगी, ये आटा नूडल हमारी। तो मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, और इसके अंदर मैं इतना पानी यूज़ करूँगी कि ये अच्छे से मतलब पक जाए। तो मैंने इसके अंदर एक गिलास पानी ऐड कर दिया था, और उसके बाद मैंने इसे ढक दिया था। और कुछ देर बाद मैं वापस से इसको देख रही हूँ, तो पानी जो है काफ़ी हद तक जो है बिल्कुल सूख चुका था, और जो हमारी मैगी है वो भी तैयार हो चुकी थी। और मतलब बार बार मेरे मुंह से जो है मैगी निकल रहा है, तो मुझे आदत है मैगी बोलने की, तो इसलिए निकल रहा है मेरे मुंह से मैगी। तो ये मैं आटा नूडल्स है जो मैं बना रही हूँ, और आपने देखा भी होगा पैकेट के ऊपर लिखा भी हुआ था। तो ये बनकर अब लगभग तैयार हो ही चुकी है, मैं इसे अच्छे से चला लूँगी। और सारे टमाटर वगैरह पूरी तरह से मतलब पक चुके हैं, और वेजीज भी पूरी तरह से पक चुकी थी। तो आपको आज की रेसिपी मेरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ, और ताकि मैं आपके लिए और अच्छी रेसिपीज़ लेकर आऊँ और अच्छी वीडियोस लेकर आऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी थी।